हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। शशि कपूर की इस फिल्म के लिए अंधविश्वासी बन गए थे राज कपूर। एक्टर ने छोड़ दी थी शराब और नॉनवेज। ये तो सभी जानते हैं कि राज कपूर एक्टर होने के साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में भी दी हैं। हालांकि काम से ज्यादा एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते थे। ऐसे में आज हम आपको राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का एक किस्सा बता रहे हैं, जब उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए शराब और नॉनवेज का त्याग कर दिया था। दरअसल राज कपूर को शराब पीने का काफी शौक था, लेकिन जब साल 1978 में जब उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज होने वाली थी, तो उन्होंने इसकी सफलता के लिए शराब त्याग कर दिया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर ने कई दिनों तक नॉनवेज को भी हाथ नहीं लगाया था। वहीं जब फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई तो जबरदस्त हिट भी हुई थी। इस फिल्म से शशि कपूर के साथ नजर आई एक्ट्रेस जीनत अमान का भी करियर ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, जिनका फिल्म में काफी बोल्ड लुक देखने को भी मिला था। खबरें ये भी थी कि राज कपूर अपनी फिल्म के गानों को किन्नरों से पूछने के बाद ही फाइनल करते थे। किन्नरों से मीटिंग राज कपूर अपने स्टूडियो आरके में करते थे। बता दें, राज कपूर ने बॉलीवुड को आवारा, मेरा नाम जोकर, संगम, चोरी चोरी और अनारी जैसी फिल्मों में अपना शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।